दोस्तों दलिया का नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ। खाने में इतना टेस्टी कि आप लोग भूल जाइएगा, फिर भी मन करेगा खाने का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों पैन लिया है, पैन में 1-2 चम्मच शुद्ध घी डाला है। उसके बाद घी पिघल जाएगा तो आप ड्राई फ्रूट डालकर 2-3 मिनट तक भूनेंगे। गैस को मीडियम करके ड्राई फ्रूट को भूनेंगे। अच्छा हुआ घी में 1 कप दलिया लिया है, करीबन है दलिया 100 ग्राम होगा। अब पैन में डालकर ब्राउन होने तक भूनेंगे। गैस को मीडियम करके ब्राउन होने तक भूनेंगे। दलिये में 1-2 चम्मच घी डालकर भूनेंगे। करीबन 5 मिनट तक लगेगा ब्राउन होने में। बड़ा वाला कप से 1 कप पानी डालेंगे। अब चलाएंगे दलिया। खाने में मोटापे कम होते हैं, माइग्रेन में बहुत लाभदायक भी होते हैं। दोस्तों दलिया से भी पाचन क्रिया भी सही भी होते हैं। हाँ दोस्तों, 100 ग्राम गुड़ भी डालेंगे और मिलाकर ढक देंगे। अब पकने में 15-20 मिनट लगेंगे। दलिया बहुत जल्दी ही पक जाते हैं। देखिए दलिया पक चुका है और गदलिया का पानी कम हो चुका है। दोस्तों दलिया अभी पका नहीं है, फिर से 5 मिनट तक हम पकाएंगे। दोस्तों कटोरी में दलिया में 250 ग्राम फाइबर होता है, तो दोस्तों कब्ज भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों छोटा वाला कप से 1 कप सूखा मिल्क पाउडर लिया है। गुड़ में दूध डालने से दूध फट जाते हैं, इसीलिए सूखा दूध डालेंगे। दलिया और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिलाएंगे, गुठलियाँ ऐसे नहीं पड़ेगी। दोस्तों दलिया खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। दलिया में फाइबर कम कैलोरी होती है। दोस्तों दलिया में थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डालेंगे उसमें। उसके बाद हम दलिया को चलाते रहेंगे जब तक दलिया का पानी ना सूख जाए, जब तक हम चलाते रहेंगे। अब डालेंगे भुना हुआ ड्राई फ्रूट, डालकर चलाएंगे और गैस कम कर देंगे। हलवा रेडी हो चुका है। मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।